हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। आज की तारीख है 15 सितंबर और यार मौसम जो है वो बहुत सुहाना सा हो रखा है। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, एकदम मस्त है मौसम, एकदम मौसम है मौसम। तो जो कोई भी यात्री आ रहे हैं उनका केदारनाथ में स्वागत है। और केदारनाथ में क्योंकि भीड़ है तो आने के पहले टेंट कैंप या रूम की व्यवस्था करें। हम लोग के पास टेंट कैंप की व्यवस्था पहले से है। तो यार मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी से पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आके मेरे पास रह के जा चुके हैं और हर किसी का यही कहना है कि यू आर द बेस्ट, बिकॉज़ आई नो आई एम द बेस्ट। तो यार और कोई अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो मैंने नीचे UPI नंबर भी दे रखा है, तो आप मुझे पैसे भेजोगे तो जितने आप पैसे भेजोगे मैं बाकी की दान पेटी में चढ़ा दूंगा और आधे अपने काम में लाऊंगा। और भी थोड़ी सी भीड़ है आज, ज़्यादा नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कम भीड़ है और ठंड बढ़ चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे घूमने के लिए। किसी को भी कोई भी अगर सवाल हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या यूट्यूब में भी मैसेज करेंगे तो मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ भाई। तो कोई दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। एकदम धूप वूप निकली हुई थी आज सुबह और यार मैं वीडियो डालने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि यार 3-4 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं सोया ही हुआ था। थोड़ा बादल मैं थोड़े ज़्यादा बनाने लग गया था 2-3 दिन से, तो उन बादलों के कारण जो मैं बना रहा था जो बादल, उनके कारण मेरी हल्की सी तबीयत ख़राब हो गई थी। और यार ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। हाँ मैंने गलत नहीं बोला, मैंने सही बोला मेरे भाई, मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है। ठीक है हाँ, तो हम अभी जा रहे हैं मंदिर के पीछे। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है। मंदिर के एग्जैक्ट पीछे है अमृत कुंड। उस कुंड में जो भी पानी होता है वो वहाँ से आता है जहाँ शिवलिंग के ऊपर जितना कुछ भी चढ़ता है वो पूरा बह के उसी कुंड में आता है। तो उसका पानी आपको घर ले जाना चाहिए। और ये रही भीमशिला। आज भी मेरी तबीयत खराब ही है, फिर भी मैं निकला सिर्फ आपके लिए। ऐसा कहना झूठ होगा भाई, मैं अपने लिए निकला, वीडियो डालना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाली थी, तो पर भी आपके लिए आया मैं और मेरे लिए। ठीक है तो भूल चूक माफ। ये देखो ये बादल जा रहे हैं अभी ऊपर। यार उल्टा सीन होता है, जैसा वहाँ से देख सकते हो वो नीचे का रास्ता है, तो बादल जो है वो नीचे से ऊपर आते हैं। सर को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से गोल घूम के, और वहाँ है भैरवनाथ जी का मंदिर। बहुत इजी सा ट्रैक है वो, 10 मिनट लगता है मात्र पहुँचने में, सीधा रास्ता है क्योंकि बिना सीढ़ी। वो देखो वो सारे बादल अभी आ रहे हैं नीचे से ऊपर और वो जाएंगे सीधा वहाँ। यार अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और कमेंट में जय श्री केदार, हर हर महादेव या जय भोलेनाथ आपकी जो भी इच्छा हो वो लिखना ना भूले। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। अब कोई भी सवाल हो तो मेरा इंस्टाग्राम है, आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे और यार थोड़ी वीडियो को शेयर करो यार, ठीक है, थोड़ी मदद करो भाई की। चलो हर हर महादेव, जय श्री केदार।